अब हम राजस्थान यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर स्कीम में सीजीपीए और परसेंटेज कन्वर्टर के लिए सी प्रोग्रामिंग भाषा में एक प्रोग्राम लिखेंगे और उसको अलग अलग तरीके से बदल बदल के देखेंगे। इसको देखने से पहले हम सीजीपीए टू परसेंटेज और वाइस वर्सा कन्वर्जन को समझ लेते हैं। तो मार्कशीट, जो भी सेमेस्टर स्कीम की मार्कशीट है उसके पीछे इसका मेथड लिखा हुआ है। इस मेथड में मुख्यतः एक टेबल दी गई है और टेबल दो भागों में डिवाइड है। टेबल में लेफ्ट साइड में कन्वर्जन का तरीका और उसके बैंड्स दिए गए हैं और राइट साइड में कन्वर्जन दिया गया है। हम इस टेबल को जूम करके देख लेते हैं। जब जूम करते हैं तो लेफ्ट साइड वाली टेबल अभी जैसे दिख रही है, उसमें 6 कॉलम है, 6 कॉलम्स हैं और पहली रो में सीजीपीए और एसपीजीए, एसजीपीए, ग्रेड, ग्रेड पॉइंट, डेफिनेशन, परसेंटेज और 0.1 सीजीपीए कॉरेस्पॉन्डिंग परसेंटेज दी गई है। जैसे इसको समझें तो जैसे फर्स्ट रो में लिखा है 5.5 to 6 CGPA कॉरेस्पॉन्डिंग ग्रेड ओ होगी, जिसकी डेफिनेशन आउटस्टैंडिंग होगी, ग्रेड पॉइंट उसके 6 होंगे, परसेंटेज 75 to 100 होगी और 0.1 CGPA कॉरेस्पॉन्डिंग 0.5 परसेंटेज होगी, 0.5 मतलब 50%। अब हम इसको समझते हैं, इसका मतलब है यदि आपकी CGPA 5.5 है तो आपकी परसेंटेज 75 होगी, यदि आपकी CGPA 5.6 है तो आपकी CGPA 80% होगी, जो दूसरी टेबल से देखा जा सकता है। इसको कैलकुलेट करने के लिए जैसे नीचे एक एग्जांपल दिया है, 5.73 CGPA के इक्विवेलेंट परसेंटेज 86.5 होगी। मतलब हमें ये कैलकुलेट करनी है कि 5.73 के इक्विवेलेंट परसेंटेज क्या है। तो हम 5.73 में से को चेक करेंगे कौन से बैंड में आ रहा है, ये आ रहा है 5.5 से 6.0 के बैंड में, क्योंकि ये 5.5 से ज़्यादा है और 6 से कम है। तो हम 5.73 में से 5.5 घटाएंगे जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग परसेंटेज 75 है। घटाने पर हमें मिलता है 0.23 को हम 50 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 0.1 CGPA कॉरेस्पॉन्डिंग परसेंटेज है 0.5, मतलब यहाँ पर 1 CGPA कॉरेस्पॉन्डिंग परसेंटेज होगी 5। हम 0.23 ले रहे हैं तो हम उसको 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 11.5 और वो है 5.5 की कॉरेस्पॉन्डिंग 75 थी तो हम उसमें ऐड कर देंगे 11.5 और ये हो जाएगी 86.5। इसको ज़्यादा अच्छे से समझें तो एक एक जैसे टेबल के राइट साइड वाले पार्ट में ये कन्वर्जन बहुत सारी वैल्यूज के लिए दिया गया है और इसको अच्छे से समझने के लिए एक मैथमेटिकल फॉर्मूले का रूप में लिखा है, हमने लिख लिया है। तो मैथमेटिकल फॉर्मूले में यहाँ सारे बैंड लिखे गए हैं, यदि ग्रेड 0 है या 0 से कम है तो उसको हमने 0% मार्क किया है, यदि 6 से ज़्यादा है तो उसको 100 मार्क किया है। हालांकि ये दोनों ही एग्जिस्टिंग नहीं होंगी, 0 से कम और 6 से ज़्यादा। इसके अलावा हमने हर बैंड के कॉरेस्पॉन्डिंग किस तरह से परसेंटेज कैलकुलेट की जा रही है इसको फॉर्मूले में लिखा है। अब इसी फॉर्मूले को हम एक सिंपलेस्ट सी प्रोग्राम में कन्वर्ट करना चाहें तो नेस्टेड इफ का यूज करते हुए कर सकते हैं। अब इस नेस्टेड इफ के प्रोग्राम को हम समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर सबसे पहले हमने मेन फंक्शन में दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, PR एंड ग्रेड। PR परसेंटेज के लिए, ग्रेड जो भी CGPA उसके लिए लिया गया वेरिएबल है। उसके बाद में इंस्ट्रक्शंस के तौर पे प्रोग्राम प्रिंट करेगा गिव योर ग्रेड, ये हमें जब हम रन कर रहे हैं तब इंस्ट्रक्शंस के रूप में मिलेगा। उसके बाद हम जो भी वैल्यू इंसर्ट करेंगे वो ये स्कैन करेगा, रीड करेगा और उसको ग्रेड को असाइन कर लेगा। उसके बाद में ग्रेड
एक नेस्टेड इफ लूप है जो PER वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट करेगा। जैसा पीछे फॉर्मूले में दिखाया गया है उसी तरह से यहाँ पर PER वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट की गई है। उसके बाद में हम ये जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो हम PER वेरिएबल को यहाँ असाइन कर रहे हैं नेस्टेड इफ के थ्रू। नीचे हमने एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखा है जिसमें हमने लिखा है परसेंटेज 0.2f, मतलब यहाँ पर एक रियल नंबर प्रिंट होगा जिसमें पॉइंट के बाद में दो डिजिट टू डिजिट्स प्रिंट होंगी इज इक्वेलेंट टू, फिर 0.2f लिखा है यहाँ, फिर से दूसरा नंबर प्रिंट होगा जिसमें पॉइंट के बाद में टू डिजिट्स प्रिंट होंगी, उसके बाद में परसेंटेज सी लिखा है, मतलब यहाँ एक करेक्टर आएगा जो करेक्टर यहाँ दिया गया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 0.2f जो पहला 0.2f लिखा है वहाँ ग्रेड की वैल्यू प्रिंट होगी, दूसरा परसेंटेज 0.2f लिखा है उसकी जगह PER की वैल्यू प्रिंट होगी, और जो परसेंटेज सी लिखा है उसकी जगह थर्ड नंबर पे जो करेक्टर दिया गया है सिंगल कोट्स में वो प्रिंट होगा। हमने यहाँ परसेंटेज दिया है, परसेंटेज प्रिंट करने के लिए हम बैकस्लैश परसेंटेज से भी कर सकते हैं, यहाँ मैंने करेक्टर के रूप में प्रिंट करना उचित समझा इसलिए कर रहा हूँ। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये नेस्टेड इफ से हम PER की वैल्यू ला रहे हैं, ग्रेड की वैल्यू हमने रीड किया है जो यहाँ पर प्रिंट होगी, और तीसरा करेक्टर है वो परसेंटेज के रूप में प्रिंट होगा। ये फंक्शन था जिससे हम समझ रहे हैं, अब ये मेन फंक्शन में लिखा हुआ प्रोग्राम था जिससे हम समझ रहे हैं, इसको हम एक यूजर डिफाइंड फंक्शन से कैसे करें। इसके लिए हमने जो नेस्टेड इफ लूप, नेस्टेड इफ जो है उसको हमने एक फंक्शन में लिख दिया। सिंस ग्रेड की वैल्यू मेन फंक्शन से कॉल करके भेज रहे हैं इसलिए ग्रेड यहाँ इसके इनपुट में है, और PER नाम का कोई वेरिएबल यहाँ नहीं था इसलिए हम PER वेरिएबल नेस्टेड पहले डिक्लेयर करते हैं, फिर नेस्टेड इफ की सहायता से इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और एंड में PER वेरिएबल को रिटर्न करते हैं। अब इस फंक्शन में हम देखें तो PER एक डमी वेरिएबल है जो सिर्फ यहाँ पर ही इस फंक्शन के अंदर ही वेरी कर रहा है, इस फंक्शन के अंदर हम उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हम इसको हटा सकते हैं, इसको हटाने के लिए जहाँ जहाँ PER कैलकुलेट किया है वहाँ से डायरेक्टली वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं, और इसके लिए हम नीचे नीचे की रिटर्न PER लाइन और ऊपरी ऊपर फ्लोट PER जहाँ डिक्लेरेशन है और नीचे रिटर्न, इन दोनों लाइनों को हटा देते हैं और जहाँ जहाँ PER स्पेस इक्वल लिखा है उसकी जगह रिटर्न लिख देते हैं। उसके बाद में हम यहाँ देखते हैं जब इफ ग्रेड इज लेस देन इक्वल टू जीरो रिटर्न जीरो, मतलब यदि ग्रेड की वैल्यू जीरो से कम है तो ये फंक्शन वैल्यू जहाँ भी इसको कॉल किया गया वहाँ वैल्यू जीरो भेज देगा, यदि रिटर्न आ गया तो ये आगे की कंडीशंस को चेक नहीं करेगा, यदि ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई है तो ही आगे की कंडीशंस को चेक करेगा, इसलिए यहाँ पर हर जगह एल्स लगाने का कोई मीनिंग नहीं है। हम इस एल्स को भी हटा सकते हैं, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एल्स को हटाने के बाद अपना प्रोग्राम वैसा वैसा रहेगा, और उसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं तो इस प्रोग्राम से और क्या, इस प्रोग्राम में और क्या बदलाव किए जा सकते हैं उनको हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक पैटर्न देखने को मिलेगा, इफ के अंदर जो कंडीशन लिखी है उसमें जो वैल्यूज लिखी हैं वो 0, 0.5, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5 एंड 6, ये इक्वल स्पेस पे नहीं है। यदि इक्वल स्पेस पे होती तो हम डायरेक्टली एक फॉर्मूले से कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो लेकिन ये रिपीटेड वैल्यू हैं, जैसे ये इफ की कंडीशन में भी ये वैल्यू जा रही हैं और आगे फॉर्मूले में ग्रेड में से घटा रहे हैं परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए, ग्रेड में से घटा रहे हैं यहाँ भी ये वैल्यू जा रही हैं। इसी तरह से एक फैक्टर है उसमें भी हमें 7 वैल्यूज मिल रही हैं और परसेंटेज में ऐड करने के लिए भी अपने पास 7 वैल्यूज हैं, तो हम इनको एक अलग तरीके से डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। हम इन वैल्यूज को अलग तरीके से डिफाइन करने के लिए एक पैटर्न काम में लेते हैं जिसको हम एरे कहेंगे। इसमें हमने जो कंडीशन में वैल्यूज लिखी हुई हैं
उनको जी नाम के एक वेरिएबल में, जिसमें हम 8 कंपोनेंट्स ले रहे हैं उसमें डाल देते हैं, और उसको भी रियल टाइप का वेरिएबल कहा है। तो यहाँ पर इसको वैल्यूज असाइन करने का तरीका है, कर्ली ब्रेसेस में वैल्यू दे देते हैं। यहाँ जी एट का मतलब है जी में 8 वैल्यूज होंगी, जो जी जीरो, जी वन, जी टू, जी थ्री, जी फोर, जी फाइव, जी सिक्स, जी सेवन होंगी। यहाँ कर्ली ब्रेसेस में जो सबसे पहला नंबर है वो जी जीरो का नंबर है, दूसरे नंबर पे जो 0.5 लिखा है वो जी वन का नंबर है, 1.5 जी टू का नंबर है, 2.5 जी थ्री को असाइन होगा, 3.5 जी फोर को असाइन होगा, 4.5 जी फाइव को असाइन होगा, 5.5 जी सिक्स को असाइन होगा, और 6 जी सेवन को असाइन होगा। इसी तरह से दूसरा वेरिएबल हमने पी जो परसेंटेज के लिए लिखा है, यहाँ पर भी उसी तरह से हमें 7 वैल्यूज मिली हैं, वो 7 वैल्यूज लिख दी। और इसी तरह से लास्ट में जो फैक्टर मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको एफ से डिनोट करके उसको भी उसी तरह से वैल्यूज असाइन कर दिए। अब हम यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग रिप्लेसमेंट करके देखते हैं, तो हमें ये रिप्लेसमेंट इस तरह से मिलते हैं कि हम जीरो को जी और स्क्वायर ब्रैकेट में जीरो, 0.5 को जी स्क्वायर ब्रैकेट में 1 इस तरह से लिख दें, तो ये हमें रिप्लेसमेंट मिलते हैं। इसके बाद में हम यहाँ एक पैटर्न देख रहे हैं कि जो वेरिएबल एरे में है वो वेरिएबल फिक्स रह रहा है, उसके बाद में स्क्वायर ब्रैकेट में उसकी नंबरिंग चेंज हो रही है, जो हम एक लूप से चेंज कर सकते हैं। और ये किस तरह से चेंज हो रही है, तो हम किसी भी एक लाइन में देखें तो हम जी जो कंडीशन वाला है उसमें जैसे 1 2 3 4 5 6 7 आ रहा है, उसी के टाइम में जो पी है उसके अंदर 0 1 2 3 4 5 6 आ रहा है, तो उसको हम 1 -1 2 -1 3 -1 4 -1 5 -1 6 -1 और 7 -1 लिख सकते हैं। इसी तरह से जो ग्रेड के बाद माइनस के बाद में जो एरे का कंपोनेंट लिखा है उसमें भी हमें 1 -1 2 -1 3 -1 लिखना होगा, और फैक्टर वाले में कंडीशन वाले के इक्वल चलेगा। उसके बाद में हम इसको रिप्लेस करते हैं, तो हम एक सिंपल फॉर लूप में इफ स्टेटमेंट को डालकर इसको इस तरह से रिप्लेस कर सकते हैं कि हमें जी जो वेरिएबल है उसके अंदर आई लिखा, आई वो वेरिएबल है जिस पे लूप चलेगा, फॉर लूप चलेगा 1 2 7 और 1 से स्टार्ट होके 8 से कम तक चलेगा, 8 से कम तक चलेगा, और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ये हो गया एरे के रूप में। अब हम पूरा प्रोग्राम देखें, तो पहले अपना प्रोग्राम इस तरह से था जो फंक्शन को कॉल कर रहा था, जिसमें 2 फंक्शंस थे PR1 एंड Grade1, और ये दोनों फंक्शंस को जहाँ भी हमें चाहिए था वहाँ हम कॉल कर रहे थे और प्रिंट कर रहे थे। अब इसमें हम 3 एरे ग्लोबल एरे के रूप में डिफाइन कर देते हैं, जिससे हमें हर फंक्शन में अलग अलग से डिफाइन ना करने पड़े, क्योंकि ये तीनों जो एरे हैं उनकी वैल्यू हम कहीं चेंज नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद में जो फंक्शंस हैं वो इस तरह से थे, जिनमें हम पहले ग्रेड को कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू से कंपेयर कर रहे थे, और उसके बाद में जो वैल्यू परसेंटेज की आ रही है उसको कैलकुलेट करके रिटर्न कर रहे थे, उसको हम चेंज करके जैसे पहले दिखाया उस इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर दोनों फंक्शंस के चेंज करके दिखा दिए गए हैं, और उसके बाद में इनका आउटपुट हम जैसे देख सकते हैं, ये पहले भी दिखाया गया है पिछले प्रोग्राम में भी, और यहाँ पर हम जैसे नॉर्मली कैलकुलेशन करते हैं वैसे ही ये आउटपुट हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। उसके बाद में मैंने इसको एक और तरीके से चेंज करने की कोशिश की है, तो ये अपने दोनों फंक्शंस हैं, सिर्फ इन्हीं में चेंज कर रहा हूँ, कंपाइलेशन और रन में कोई चेंज नहीं है, सब कुछ वैसा ही रहेगा। तो यहाँ पर पहले मैं कुछ स्पेसिंग दे के देखता हूँ इन दोनों में, तो 2 लाइंस को चेंज करूँगा जिनमें पहले स्पेसिंग दे दी है। उसके बाद में अब मैं जो बी एरे है उसमें उसको उसके आगे जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसको हटाऊँगा, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो नंबर लिखा है वो उस एरे में ऐड करूँगा। तो देखते हैं क्या किया, जैसे पहले लिखा हुआ था पी आई माइनस वन, स्क्वायर ब्रैकेट में आई माइनस वन था, अब मैंने उसकी जगह लिख दिया पी प्लस आई माइनस वन,
पूरे को पैरेंथेसिस में बंद किया और उससे पहले स्टार लगा दिया। इसी तरह से दूसरा वेरिएबल था जी आई माइनस वन, यहाँ भी जी प्लस आई माइनस वन कर दिया और इसको पूरे को स्क्वायर ब्रैकेट में पैरेंथेसिस में बंद करके पहले स्टार लगा दिया। इसी तरह से फैक्टर के लिए एफ और स्क्वायर ब्रैकेट में आई था, उसकी जगह भी मैंने स्टार और पैरेंथेसिस में एफ प्लस आई कर दिया। यहाँ पर ये डिनोटेशन ऐसे करने के बाद भी वैसे ही काम कर रहा है जैसे पहले कर रहा था। यहाँ कुछ ध्यान देने लायक चीज़ें ये हैं, एफ प्लस आई से पहले दो स्टार आ रहे हैं, हम इन दोनों स्टार्स में स्पेस दे सकते हैं, इनके पहले और बाद में स्पेस दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मिनिमम स्पेस जीरो, मैक्सिमम आप जितना चाहो दे सकते हो, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो नीचे वाला ग्रेड से कन्वर्जन वाला है उसमें यहाँ फर्क पड़ेगा, यहाँ स्लेस के बाद में स्टार आ रहा है, इसलिए मिनिमम वन स्पेस यहाँ बीच में दोनों के देना जरूरी है। क्योंकि जब हम स्लेस के बाद में स्टार लिखते हैं और बीच में स्पेस नहीं देते हैं तो ये कमेंट स्टार्ट कर लेता है, कमेंट मतलब दैट इज नॉट ए पार्ट ऑफ प्रोग्राम। और यहाँ पर दिक्कत यह आएगी कि ये कमेंट स्टार्ट हो गया, इसको हमने एंड नहीं किया और प्रोग्राम यहाँ पर हमें कंपाइलर है वो इसको समझ नहीं पाएगा, कंपाइलर हमें एरर देगा और उस एरर को ठीक करना होगा। ठीक का यही तरीका है क्योंकि हम यहाँ कमेंट नहीं चाहते हैं, हम यहाँ डिवाइड करना चाहते हैं, इसलिए स्लेस और स्टार के बीच में एक स्पेस देना पड़ेगा और इसी से हम समझ सकते हैं कि पॉइंटर क्या होता है। तो हमने एरे से पॉइंटर में कन्वर्जन किया जो बहुत ही आसान सिंपल तरीके से किया। अब हम पॉइंटर को समझें तो उसके लिए हम ये मान लेते हैं जब भी हम एरे को कॉल करते हैं तो, या पॉइंटर की बात कर रहे हैं तो हम एक एड्रेस की बात कर रहे हैं, मेमोरी स्पेस पे एक एड्रेस की बात कर रहे हैं, उसके एरे के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट में जो नंबर लिखा होता है वो उस एड्रेस की कौन सी पोजीशन पे जाना है। जैसे हमने एक इंटीजर एरे डिक्लेयर की है या रियल नंबर की एरे डिक्लेयर की है तो फर्स्ट एड्रेस यदि आई की अंदर स्क्वायर ब्रैकेट में जीरो लिखा है तो फर्स्ट एड्रेस है, स्क्वायर ब्रैकेट में वन है लिखा है तो सेकेंड एड्रेस है, टू लिखा है तो थर्ड एड्रेस है। और इंटीजर या फ्लोट के लिए उस वो एड्रेस वैल्यू उसमें फोर ऐड होंगे क्योंकि वन इंटीजर या वन रियल वेरिएबल है वो फोर बाइट्स में स्टोर होता है, तो फर्स्ट एड्रेस मतलब वो प्लस थ्री जो आते हैं वहाँ तक के एड्रेस उसी के हैं। यहाँ पर हम एरे की जब बात करते हैं हम डायरेक्टली उस वेरिएबल में कोई नंबर ऐड कर देते हैं और यहाँ वन ऐड करने का मतलब है वो फोर बाइट्स ऐड करेगा और स्टार लगाने का मतलब है कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस पे वैल्यू क्या है, तो वो वैल्यू यहाँ प्रिंट हो जाती है। यहाँ फायदा ये होता है कि जब एरे को हम पॉइंटर में ले जा रहे हैं तो एरे में दिक्कतें क्या होती हैं और पॉइंटर में फायदे क्या होते हैं वो देखते हैं। तो हम स्टार्स यूज करके अब पॉइंटर्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं और जब एरे की बात करते हैं तो ये प्रोग्राम स्टार्ट होते ही मेमोरी बुक कर लेता है। जैसे हमने हमने जी ब्रैकेट में एट लिखा, इसका मतलब ये एट इंटीजर्स के कॉरस्पॉन्डिंग मेमोरी स्पेस पहले ही बुक कर चुका है, मेमोरी उतनी बुक हो चुकी है, उसको किसी और यूज में नहीं ले सकते जब तक कि प्रोग्राम रन हो रहा है। लेकिन पॉइंटर में ये फैसिलिटी देता है कि पहले से ऐसी बुकिंग नहीं करनी होती और प्रोग्राम अपने हिसाब से कम और ज़्यादा वैल्यूज यूज कर सकता है। और ये करना मशीन के लिए भी फायदेमंद होगा क्योंकि मशीन उसी तरह से मेमोरी एलोकेट करेगी जिस तरह से हमें ज़रूरत है। और यदि हमें एरे समझ में आ गई है तो पॉइंटर समझना हमारे लिए बहुत आसान होगा। थैंक यू very much.